जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई श्री में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं, इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी के प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे से संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो पर चलता ही रहता है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली विश्लेषण सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कुंडली के बारे पंचम भाव से संबंधित हम आपको सिखाते चले आ रहे हैं, पंचम भाव का उदाहरण लेकर के कि पंचम भाव से आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। जैसे संतान को बता दिया, विवाह के बारे में बता दिया, आज पंचम भाव से या चंद्रमा से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। जैसे लोग बच्चे जो है, किसी बच्चे की कुंडली आपकी आ गई और आपने देखा कि अंतर जाति विवाह का योग कैसे देखा जाता है। इसी को हम कहते तो पहले विजातीय योग आपने पढ़ा होगा, बी जाति नहीं, एक जापनी जाति से अलग बच्चे विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, उसका कारण क्या है, ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है जिससे बच्चे इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। किसी बच्चे की कुंडली आपके पास विश्लेषण के लिए आ गई तो आप उसको देखेंगे कैसे, किसमें विजातीय विवाह का योग है, आज हम इसी में चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है विजातीय विवाह का योग, अंतर जातीय विवाह का योग कह सकते हो, या इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, पहले आप सूत्र नोट करोगे, फिर एक नहीं दो उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा तो आपके समझ में ये चीज समझ में आ जाएगी। तो पहला सूत्र आप नोट कर लीजिए कि आप देखेंगे कैसे, मान लो लग्न जो है, लग्न में कर्क राशि हो, चंद्रमा की राशि कर्क राशि हो, वो चंद्रमा से युक्त हो, यानी लग्न में चंद्रमा बैठा हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तब उसमें क्या होगा, इंटरकास्ट मैरिज का योग बनेगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्न में मंगल बैठा हो, लग्न में मंगल हो या मंगल की राशि हो, मंगल की राशि कौन सी होती है, मेष वृश्चिक राशि हो, या वो मंगल से दृष्ट हो, कौन लग्न मंगल से दृष्ट हो या मंगल की राशि वहां हो या मंगल बैठा हो, तब भी जो है इस तरह का अंतर जाति विवाह का योग बन जाता है। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, सप्तम स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि हो, सातवें स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि हो, वो चंद्रमा से दृष्ट हो, तब भी ऐसे बच्चे जो है अंतर जाति विवाह का योग कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए कि लग्न जो है, लग्न पर लग्न में शनि की राशियां हो, लग्न में शनि की राशि कौन सी होती, मकर और कुंभ, या शुक्र की वृष या तुला राशि हो, लग्न में शनि की राशि कौन, मकर कुंभ हो या शुक्र की राशियां वृष या तुला राशि हो, उस पर शनि और राशि का हो, शनि शुक्र से दृष्ट हो, या ये राशियां हो या शनि शुक्र से दृष्ट हो, तब भी विजातीय योग हो जाएगा। या अगर लग्न जो है वो शनि राहु से दृष्ट हो या शनि राहु की वहां पर राशियां बैठी हो, शनि की और शुक्र की राशि बैठी हो सब लग्न में, कौन सी मकर कुंभ हो या शुक्र की वृष तुला राशि बैठी हो, या वो शनि या शुक्र से लग्न दृष्ट हो, तो भी क्या होगा, विजातीय विवाह का योग बन जाएगा। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए कि राहु का प्रभाव हो, किस पर, मंगल पर, अगर मंगल पर राहु का प्रभाव, मंगल की राहु की युति हो मंगल के साथ या राहु से दृष्ट हो तो भी, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो, तब भी क्या है, विजातीय विवाह का योग बन जाएगा। छठा सूत्र नोट कर लीजिए, चंद्रमा निर्बल हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, निर्बल का होता है चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष का होगा, पंचमी के बाद का, पंचमी से लेकर अमावस्या तक का हो, चंद्रमा निर्बल हो और या वो चंद्रमा कहाँ पांचवें सातवें बारहवें भाव में बैठा हो और उस पर शनि या राहु से दृष्ट हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, शनि राहु की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पर, तब भी क्या होगा, विजातीय विवाह का योग बन जाएगा, अंतर जाति विवाह का योग बन जाएगा।
सातवां नोट कर लीजिए, लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी चंद्रमा, मान लो कर्क राशि, कर्क लग्न हो तो वहां कर्क लग्न होगी तो लग्नेश कौन बन जाएगा, चंद्रमा बन जाएगा, वो सप्तम भाव में हो और वो शनि से दृष्ट हो तब भी क्या होगा, वो इस तरह से भी जाती है विवाह का योग बन जाएगा, अंतर जाति विवाह, अंतर कास्ट मैरिज का योग बनेगा। आठवां सूत्र नोट कर लीजिए, नवम नवमेश हो, नवम भाव या नवमेश, इसी तरह दशम भाव या दशमेश, पर बृहस्पति या बृहस्पति पर, इन पांचों का ध्यान करना, नवम भाव हो, नवमेश हो, दशम भाव या दशमेश हो या बृहस्पति पर, किसके शनि राहु केतु का प्रभाव हो, प्रभाव कब होगा, युति होगी या दृष्टि होगी, तो भी अंतर जाति विवाह का योग बनेगा। ये तो आपके सूत्र हो गए कि इस ये योग बनेगा किसी कुंडली में, तो समझ लो कि विजाति विवाह का योग बनेगा। हम दो उदाहरण ले लेते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कुंडली नंबर एक में देखा हमने क्या कि लग्न में, जैसे हमने बताया था कि अगर लग्न में चंद्रमा बैठा हो, जैसे पहले ही सूत्र था, यदि लग्न में चंद्रमा की राशि हो या लग्न में चंद्रमा हो या चंद्रमा से दृष्ट हो, तो यहाँ लग्न में ही आपने देखे कि लग्न में ही अगर कौन बैठा हुआ, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी जाती है, वो भी चंद्रमा किसका है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि भी अपने सप्तम भाव पर, अपनी राशि पर ही पड़ रही है। वहां सप्तम भाव पर देखना कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, ये राहु क्या है, विजाती विवाह का योग बना देता है, चंद्रमा भी विजाती विवाह का योग बना देता है, केतु की जो दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है भी विजाती विवाह का योग बना देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीन तरह के इस तरह के योग बन रहे हैं जिसमें विजाती विवाह का योग यहाँ बन रहा है। ये तो मैंने आपको एक उसमें बता दिया, लेकिन सूत्र के द्वारा आप समझोगे तो आपको बताता है। यदि लग्न में मंगल हो, अब यहाँ देखो लग्न में बताया कि लग्न में मंगल हो, देखो दूसरा सूत्र भी यहाँ लागू हो गया कि लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और या मंगल की राशि होती, मंगल की राशि नहीं लेकिन लग्न में मंगल बैठा या दृष्ट होता या मंगल की दृष्टि होती तब भी विवाह का, यानी मंगल के द्वारा भी यहाँ विजाती विवाह का योग बन गया। ये दोनों सूत्र यहाँ पर लागू हो गए, पहला दूसरा दोनों लागू है इस कुंडली में। सप्तम स्थान में चंद्रमा की राशि अदृष्ट हो, और सप्तम स्थान में चंद्रमा की राशि हो, अब देखो यहाँ सप्तम भाव में भी चंद्रमा की राशि है, कौन कर्क राशि है, और दृष्ट हो, और यहाँ चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है, ये कहना है तीनों सूत्र लगातार यहाँ पर देखो इस कुंडली में लागू हो रहे हैं कि चंद्रमा की राशि भी है, चंद्रमा से दृष्ट भी हो रहा है, तो यहाँ ये ऐसा है, ये सब जो है अंतर जाति विवाह का योग यहाँ बन रहा है। तीनों सूत्र जो प्रारंभ के थे इस कुंडली पर लागू हो गए। नेक्स्ट देखिए, लग्न में शनि की राशि हो, अब लग्न देखो लग्न की, लग्न में मैंने मकर या कुंभ राशि हो, या लग्न में मकर राशि भी है, और यह शुक्र की राशि होती और उस पर शनि या शुक्र से दृष्ट हो, शनि या शुक्र से दृष्ट हो, ना शनि से दृष्ट है ना शुक्र से दृष्ट है, लेकिन यह है कि लग्न में यहाँ शनि की राशि भी बैठी हुई है तब भी विवाह का योग बना देता है। तो कहने मतलब यह भी जो सूत्र है यहाँ आज लागू हो रहा है कि अगर लग्न में शनि की राशि हो तब भी विजाती विवाह का योग बना देगा। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, राहु का प्रभाव या युति हो मंगल पर, लेकिन राहु का जो प्रभाव है ना मंगल पर है और ना युति है ना दृष्टि है, लेकिन राहु का प्रभाव किस पर है, सप्तम भाव पर है, ये सातवां जो भाव है उस पर पड़ रहा है तभी ये विजाती योग का भी भाव बना देता है। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर चंद्रमा निर्वल है, चंद्रमा निर्वल है कि नहीं है इस कुंडली में, देखो चंद्रमा क्या है, सूर्य के नजदीक है तो चंद्रमा यहाँ पर निर्वल हुआ, क्योंकि जब भी सूर्य के साथ चंद्रमा है तो अमावस्या योग बनाएगा, ये चंद्रमा भी तीसरे भाव में ही है चंद्र सूर्य से, तो यहाँ चंद्रमा आपका निर्वल कहलाएगा, तो यहाँ चंद्रमा निर्वल है, और चंद्रमा निर्वल हो वो पांचवें सातवें या बारहवें भाव में बैठा हो, लेकिन यहाँ लग्न में न पांचवें ना सातवें ना बारहवें भाव में नहीं है, वो लग्न में बैठा हुआ है, शनि राहु की दृष्टि हो ना शनि राहु की दृष्टि नहीं है, तो ये सूत्र इस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा सप्तम में हो, लग्नेश मैंने बताया कि लग्न का स्वामी अगर चंद्रमा होता, कि लग्नेश या कर्क राशि होती जैसे यहाँ है ये कर्क होती और चंद्रमा यहाँ बैठा होता और उस पर भी शनि राहु की दृष्टि होती तो भी क्या होता, शनि किसकी दृष्टि होती तभी विजाती विवाह का योग होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की स्वयं राशि है और उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, नीचे दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक तरह से विवाह का विजाति विवाह का योग बना देता है। नेक्स्ट सूत्र देख लीजिए, नवम या नवमेश, नवम भाव पर या नवमेश पर,
नौमेश कौन है? बुध है। देखो ये नौमेश जो है बुध है, और बुध जो है पीड़ित किससे है? राहु से भी पीड़ित है, राहु की दृष्टि पड़ रही है वहां। शुक्र साथ में ही बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। नवम नौमेश और दशम दशमेश, दशमेश कौन है? दशमेश की भी युति यानी शुक्र की भी युति ये नौमेश के साथ ही है, वहां राहु बैठा हुआ है ही है। और ये कह रहा है इस पर या गुरु पर, गुरु पर या गुरु पर राहु शनि की दृष्टि हो, तो यहाँ राहु शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि की लगन पर है क्या? नहीं, इसकी तो दृष्टि नहीं है। बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि भी नहीं, केतु की दृष्टि है। हाँ यहाँ पर देखिए कि नवम नवमेश से दशमेश पर या गुरु पर, गुरु पर किसकी दृष्टि है? केतु की है। और नवमेश दशमेश पर किस पर है? जो ये दशमेश और नवमेश पर किसकी युति है? राहु की युति है। राहु की युति और केतु की दृष्टि दोनों ही पड़ रही है एक तरह से। ये वाला सूत्र विलास का जो है ये भी यहाँ पर लागू हो जाता है। तो ये मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि इन सूत्रों को हम लागू करेंगे। तो हम इस कुंडली में हमने देखा, दूसरी कुंडली में हम देख लेते हैं कि आपने देखा कि यहाँ जो लग्न है, लग्न में जैसे मैं बताया था कि यदि लग्न में, लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु क्या है? विजातीय ग्रह है, विजातीय ग्रह का योग बना देता है। अगर इसकी युति पड़ जाती है, ये जो ग्रह है राहु यहाँ सप्तम भाव में बैठा हो, लग्न पर इसकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी विजाति विवाह का योग बना देता है। तो राहु का प्रभाव मैंने तब मंगल पर हो, तो राहु का प्रभाव यहाँ मंगल पर तो है नहीं। अब पहले हम सूत्र को ही देख लेते हैं कि उसमें क्या ये सूत्र लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे हैं। लग्न में चंद्रमा की राशि हो, लग्न में चंद्रमा की राशि नहीं है, ना चंद्रमा से युक्त है ना ये दृष्ट है। लग्न में मंगल हो, लग्न में मंगल भी नहीं है ना इसकी दृष्टि है। सप्तम में चंद्रमा की राशि हो, ना वो राशि भी नहीं है। लग्न में शनि की राशि हो, ये भी नहीं सूत्र लागू होता है यहाँ पर। राहु का प्रभाव या युति दृष्टि मंगल पर हो, राहु का जो प्रभाव है वो लग्न पर है, यहाँ राहु का जो प्रभाव है लग्न पर है और लग्न पर है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो लग्न पर है और राहु सप्तम भाव में बैठा भी है, तो ये विजाति विवाह करा देता है। इस तरह से मैंने कई उदाहरण देखे हैं लोगों के, ये पड़ जाता है। अगर लग्नेश चंद्रमा के सप्तम में हो, लग्नेश ऐसा ये भी योग इसमें नहीं, सूत्र नहीं लागू होता। नौमेश दशमेश, नौमेश इसका सूर्य है, ठीक है, नौमेश नवम और नौमेश, नवम नौमेश और दशम दशमेश, दशम दशमेश पर शनि की दृष्टि है, ठीक है। ये सूत्र जो आठवां सूत्र है वो दूसरी कुंडली पर आपके लागू हो रहा है, उसको देख लीजिए कि नवम और नवमेश, नवम कौन है, नवम भाव कौन सा है? ये नवम भाव, नवम भाव पर किसकी दृष्टि है? केतु की दृष्टि पड़ रही है। नवमेश, नवमेश आपका सूर्य है, ये सूर्य हो गया, सूर्य पर किसकी दृष्टि? राहु की दृष्टि पड़ रही है। दशम, दशम भाव, ये दशम भाव हो गया, दशम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, दशम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। दशमेश, दशमेश कौन है? बुध है, बुध को पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा ही मेन होता है ग्रह में, इसमें इस योग में, और शनि भी युक्ति है, शनि की युति भी पड़ गई है। यदि शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाती है तो इस तरह का योग बन जाता है। शनि की युति, शनि जो सप्तमेश है उसका द्वादश भाव में शनि के साथ युति पड़ी हुई है। बृहस्पति पर ये कह रहा है, बृहस्पति पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति पर शनि राहु केतु की, बृहस्पति में किसकी दृष्टि है? केतु की दृष्टि है, तो इस प्रभाव को अंतर जाति विवाह करा देता है। यानी ये दोनों कुंडलियां हमारे पास इस प्रकार की रही जिसमें अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज का योग है। तो इस तरह हमारे पास किसी एक ही कुंडली, किसी जात्रा की कुंडली हमारे पास आ जाती है तो हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? तो हमें आसानी से पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, कौन से सूत्र यहाँ लागू होंगे। सूत्र कोई वो नहीं, आप आराम से नोट कर सकते हैं कि अपनी डायरी बना लीजिएगा और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी तैयारी कर लो, उसके बाद जो चीज़ मैं समझाता हूँ उसे आप लोग समझें तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगी कि कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली देखना कोई कठिन काम नहीं है। केवल एक बार आपके समझ में आ जानी चाहिए कि गुरु जी देख कैसे रहे हैं, कैसे हमें समझा रहे हैं, उसको देखने का तरीका क्या है, आपको समझ में आ जाए तो कुंडली विश्लेषण आपके पास किसी भी तरह की कुंडली आ जाएगी, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही कमेंट करके उससे बताइएगा। वैसे आप लोगों का
अच्छा वो मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, गुरु जी समझ में आ रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही जो आप लोग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।